हज़रत को दुआ करने रिक्वेस्ट करने आया, और हज़रत हमेशा हमारा जो भी अच्छा काम हो हमारे कौम के सबसे बड़े हैं, सो हज़रत से दुआ की दरख्वास्त करने आया मैं। आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन एनी थिंग अबाउट एनी पार्टी एट द मोमेंट, बट माई रिक्वेस्ट इज सेक्युलर फोर्सेज शुड गेट टूगेदर एंड इन दिस आई रिक्वेस्ट द जे डी एस पार्टी टू सपोर्ट माई कैंडिडेचर सो दैट वी कैन डिफीट द कम्युनल फोर्सेज। क्या लगता है जिस तरह के हालात है इलेक्शन किस तरह के होंगे इस बार? मुझे उम्मीद है जे डी एस मेरा कैंडिडेचर को सपोर्ट करेगी और कम्युनल फोर्सेज को हम लोग हरा सकेंगे, क्योंकि ये ऐसा मौका है कि कांग्रेस जे डी एस साथ मिलके मेरा कैंडिडेचर सपोर्ट करे और बीजेपी के कैंडिडेट को हराए। तो सर जब इस तरह की उम्मीद है तो आप लोग अप्रोच क्यों नहीं कर रहे जे डी एस से? अभी तक आपकी किसी बात नहीं हुई है? हमारे सीनियर लीडर्स जे डी एस के साथ बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इस पर मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं दुआ की दरख्वास्त की है। सो अमीर शरीयत हमारे बड़े हैं, सो मैं उनसे सिर्फ दुआ की दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ। आज हमारे राज्यसभा एमपी कैंडिडेट मंसूर अली खान के साथ हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, हमारे अमीर शरीयत से ये उनकी दुआ उनको दुआ की दरख्वास्त करने के लिए आए थे। हर एक परंपरा रही है कि हर कोई हमारा मुसलमान नुमाइंदा जो भी चुना जाता है एमएलए या एमपी के लिए, कोई भी अहदा हासिल हो या ना हो, सिर्फ अगर से उनको नामजद किया जाता है तो उनकी दुआ लेने के लिए आते हैं, और वो बस दुआ की दरख्वास्त करने के लिए आए थे। सर हाल ही में सीएम इब्राहिम साहब का स्टेटमेंट आया था, क्यों इनको फर्स्ट नंबर पर नहीं रखा गया? क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, जानबूझकर इन्होंने कांग्रेस वालों ने सेकेंड नंबर पर रखा है, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी नहीं है। अगर से ऐसा है तो वो पहले नंबर पे उनका जो कैंडिडेट है सेक्युलर अपने आप को कह रहे हैं, तो वो इंस्टेड ऑफ हमारे जो कुपेंद्र रेड्डी की जगह बीएम फारूक को जो पिछली बार उनके साथ तो धोखा हुआ था उन्हीं को देते। कांग्रेस से मंसूर अली खान का नुमाइंदगी जो की गई है, उनको जो मौका दिया गया है इसके लिए उनको साथ देना है, क्योंकि अगर से वो भी सेकुलर पार्टी कहे जा अपने आप को कहते हैं तो मंसूर अली खान को साथ देना उनका लाजमी बनता है, और एक गैर जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनको हराने के लिए एक मौका है, ये तो उनको साथ देना जरूरी समझता हूँ। रहमान खान साहब राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन, उनके फर्जंद अंजुमन का नाम मंसूर अहमद खान साहब इस वक्त तशरीफ ले आए थे, और उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि वो राज्यसभा में मेंबर के लिए अपना नाम दाखिल फरमा रहे हैं। अलहम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात हुई कि हमारे आदमी मुसलमान राज्यसभा में वो अपना नाम दाखिल किए, बड़ी खुशी की बात है। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारी तरफ से एक आदमी ज़रूर होना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा होना चाहिए, पहले से सिर्फ एक आदमी है आसिफ हुसैन साहब मोहतरम, वो भी माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब उनके साथ अगर ये भी अगर हो जाते हैं बहुत अच्छा है, हम ख्वाहिश की इस बात की ख्वाहिश है कि राज्यसभा में ये हमारे लोग होना चाहिए, ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे, पूरे कौम तक, पूरे मुल्क में हमारी आवाज़ पहुँचे, और फिर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको तरक्की अता फरमाए, और जैसा कि उनके वाले साहब अल्लाह ताला ने बहुत ही ऊँचा मुकाम अता फरमाया था, सियासी एतबार से अभी भी है, ये उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी कौम की। इसी तरह उनके फर्जंद अर्जुमन जनाब मंसूर अहमद खान साहब को तरक्की अता फरमाए और मुल्क की पूरी खिदमत के मौके अल्लाह ताला नसीब।
Thank you.